तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने किया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन चूजिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड हाउ मेनी ऑफ दीज फोर कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट एंड सेकेंड पार्ट है फोर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स मतलब बहुत सारी आपको कंडीशंस दे सकते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं हमने किया था कि कार्ड्स कैसे होते हैं ना तो पहले ये चीज की थी कि 52 टोटल कार्ड्स हैं उसमें 26 रेड हैं 26 ब्लैक हैं ये चीज हमने उस दिन की थी देखो ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए तभी हम इसके सम्स कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं जिसमें से 26 रेड होते हैं 26 ब्लैक होते हैं ठीक है रेड में 13 हार्ट के होते हैं 13 डायमंड के होते हैं और ब्लैक में 13 क्ले क्लब के और 13 स्पेड के और इन सभी में वन एस वन किंग वन क्वीन वन जैक वन एस वन किंग वन क्वीन वन जैक इन चारों में क्या होता है इनको हम डिफरेंट सूट्स बोल देते हैं ठीक है हार्ट डायमंड क्लब एंड स्पेड दीज आर फॉर डिफरेंट सूट्स ऑफ द कार्ड्स ठीक है तो इसमें हमने क्या कहा था कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एस है टोटल नंबर ऑफ एस वो कितने 4 है और जो फेस कार्ड्स हैं वो टोटल है 12 ठीक है तो इसमें अब वो कोई भी कंडीशन दे सकते हैं कि आपको ये वाले ब्लैक के निकालने हैं ब्लैक के निकालने हैं ब्लैक में से सिलेक्ट करने हैं या एस होने चाहिए वो किंग होने चाहिए कुछ भी कह सकते हैं ठीक है तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था कि फर्स्ट पार्ट सेम है कि फोर कार्ड्स टू डिफरेंट सूट्स सॉरी सेम सूट के होने चाहिए तो हमने क्या था कि या तो ब्लैक हो सकते हैं या रेड सॉरी तो फोर सूट्स हैं यहाँ पे एक तरह से तो फर्स्ट पार्ट हमने किया था कि फोर कार्ड्स ऑफ सेम सूट दैट इज कैसे हो सकता है सॉरी फर्स्ट पार्ट हमने करना है हमने ये चीज कर ली थी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच चूजिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स है ना कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे अगर हम 52 में से फोर चूज कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम फोर कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट चारों कार्ड्स एक ही सूट के होने चाहिए तो दैट मीन्स अब जो सूट है आपके पास वो क्या है अगर कार्ड्स में देखे तो वो है या तो हर्ट है या फिर डायमंड है या फिर क्लब है या फिर स्पीड ठीक है तो अगर हम देखें कितने वेज हैं अगर हम पहले हार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो अगर हम कहें कि चारों कार्ड्स हार्ट के हैं तो क्या आएगा 13C4 ठीक है हमने चार कार्ड्स सिलेक्ट करने थे चार हो गए अब सेकंड केस है कि चारों कार्ड्स डायमंड के हैं तो डायमंड के भी टोटल 13 होते हैं उसमें से हमने फोर सिलेक्ट करने हैं ठीक है सिमिलरली क्लब के भी 13 होते हैं उसमें से फोर सिलेक्ट करने हैं और स्पेड के भी 13 होते हैं उसमें से फोर सिलेक्ट करने हैं देखो हम एडिशन क्यों कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने कहा है फोर कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट दैट मीन्स वो चारों कार्ड्स हर्ट के भी हो सकते हैं डायमंड के भी हो सकते हैं क्लब के भी हो सकते हैं स्पेड के भी हो सकते हैं चारों के चारों तो हमारे पास चार केसेस आ गए अगर हम फर्स्ट केस में लेंगे कि द फोर कार्ड्स आर ऑफ हर्ट सेकेंड केस लेंगे ऑल द फोर कार्ड्स आर ऑफ डायमंड थर्ड केस इज ऑल द फोर कार्ड्स आर ऑफ क्लब फोर्थ केस इज ऑल द फोर कार्ड्स आर ऑफ स्पेड ठीक है तो ये सारे टोटल 13 होते हैं तो हमने सीधा इकट्ठा आप एक साथ कर सकते हो इसको केसेस को ठीक है जरूरी नहीं आपने चार केसेस अलग अलग करके दिखाने हैं जहाँ पे आपके पास और आ जाते हैं वहां पे एडिशन होती है ठीक है तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया 4 × 13C4 विच इज इक्वल्स टू 4 × 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 13 × 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज 24 या फिर 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हो आप तो दिस इज 12 टू द तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा 2860 तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस और नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट ठीक है अब इसका सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं फोर कार्ड्स टू फोर डिफरेंट सूट्स पहले था सेम था ठीक है सेम का मतलब ये हो गया कि चारों कार्ड्स क्या होने चाहिए सेम के होने चाहिए फिर हमने किया था या तो चारों हर्ट के होंगे या फिर फोर के फोर कार्ड डायमंड के होंगे या फिर क्लब के होंगे या फिर स्पेड के होंगे ठीक है तो ये आपके पास केसेस हो गए बिकॉज ये चारों एक में ही आ गए तो हमें चार ही चाहिए थे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स ये हो जाएगा
कि हमें 16 कार्ड्स चाहिए, कि 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, ठीक है? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो गलत हो जाएगा, वो सम के स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो, वो कह रहे हैं 4 कार्ड्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 हमारे पास कार्ड्स हैं, चारों अलग अलग होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि चारों के चारों अलग अलग होने चाहिए। अब हमें इतना पता है, देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच सूट, ठीक है? अब चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? एक हर्ट का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा। इन दोनों में डिफरेंस है। वो कह रहे हैं चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए, ये कह रहे हैं 4 के 4 कार्ड जो बिलोंग करें वो डिफरेंट सूट्स को करें। दैट मीन्स चारों कार्ड्स डिफरेंट होंगे, मतलब एक हर्ट का हो गया, एक क्लब का हो गया, एक स्पेड का हो गया, एक डायमंड का हो गया। अब ये हमारे पास एक ही केस है, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 कार्ड्स बनेंगे। अगर हम प्लस करेंगे तो दैट मीन्स हम एक कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 4 कार्ड्स करने हैं, ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, दैट इज 13 रेज टू पावर 4, ठीक है? मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, लिख नहीं रही, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट इज 4 कार्ड्स आर ऑफ फेस कार्ड्स। देखो, 4 ही हमने सिलेक्ट करने हैं, वो चारों कह रहे हैं कि फेस कार्ड्स ही होने चाहिए, ठीक है? तुम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 12, ठीक है? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, चारों कार्ड सेलेक्ट करने फेस में से, दैट मीन्स 12C4। ओके, अगर हम 52 लेंगे तो उसमें तो कोई और भी आ सकता है, हमें चारों फेस कार्ड्स चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12, तो इट इज इक्वल टू 12C4, ठीक है? फेस 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया 4 3 12, 2 5 10, तो हो गया 45 × 11, दैट इज 495, ठीक है? चारों कार्ड्स फेस कार्ड्स होने चाहिए। नाउ फोर्थ पार्ट इज 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, ठीक है? अब 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। वी नो दैट देयर आर 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है? एंड वी हैव टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स इन विच, ऐसे बस एक्सप्लेन करना अगर करना भी है ना, इन विच 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? अब 2 रेड है, 2 ब्लैक है, 26 रेड है, तो 26 में से 2 लेंगे, और ब्लैक भी 26 है, 2 26 में से लेंगे, ब्लैक भी 26 में से लेंगे, रेड भी 26 में से लेंगे, रेड भी 26 होते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं, ठीक है? तो इसको सॉल्व करो तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल की होल स्क्वेयर, ठीक है? बिकॉज 2 बार आए, दैट मीन्स 26 इंटू 25, 24 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 रेज टू पावर स्क्वेयर, ठीक है? 2 13 सा, दैट इज 13 इंटू 25 की होल स्क्वेयर, 325 की होल स्क्वेयर, विच इज इक्वल्स टू 105625, ठीक है? अब फिफ्थ पार्ट है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अब जो कार्ड्स हैं वो सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है? अब देखो इसमें फिर और आ जाएगा, कैसे? कलर्स हमारे पास 2 ही हैं कार्ड्स में, या तो रेड या फिर ब्लैक। अब सारे कार्ड सेम कलर के होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, या तो 4 के 4 रेड होंगे या तो 4 के 4 ब्लैक होंगे। अब यहाँ पे फिर और आ गया, तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या आ जाएंगे, देयर आर, हम कह सकते हैं 2 कलर्स रेड और ब्लैक, है ना? तो देयर रेड भी 26 है एंड ब्लैक भी 26 है। तो जब हम फर्स्ट केस लेते हैं कि चारों रेड हैं, तो हमारे पास होगा 26C4,
अगर सेकंड केस लेते हैं चारों ब्लैक है तो ये होगा 26c4, दैट मीन्स 2 × 26c4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 26 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2990 नंबर ऑफ वीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने इसके जो केसेस हैं या जो भी कार्ड्स की सिलेक्शन है वो करनी है, और कैसे करनी है ये ध्यान से देखना। ठीक है, जो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ 5 men and 2 women, ध्यान से देखना। अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड, 5 men है एंड 2 women है। ठीक है, तो 3 persons का हमने ग्रुप बनाना है या कमिटी बनानी है, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, आउट ऑफ 5 men and 2 women अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड, इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी फॉर्म्ड, एट लीस्ट 1 woman इज टू बी इंक्लूडेड। अब इसका मतलब देखो, अब वो कह रहे हैं कम से कम 1 woman होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ना याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड एट मोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल। ठीक है, तो एटलीस्ट में जो केसेस हम लेते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, जितना उन्होंने कहा है एटलीस्ट, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना, इसको ध्यान से याद रखना, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब अगर एटलीस्ट 1 है तो हम 1 वाला केस भी लेंगे, 2 वाला भी लेंगे, 3 वाला भी लेंगे, 4 वाला भी, 5, मतलब मान लो ज्यादा से ज्यादा 5 तक जा सकते हैं। तो एटलीस्ट मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 1 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू, और ज्यादा से ज्यादा जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू। एक मिनट बेटा, तो एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू, और मान लो एट मोस्ट 3 है, तो एट मोस्ट में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होके यहाँ तक केसेस बनते हैं, और एट लीस्ट में यहाँ से लास्ट तक केसेस बनते हैं। ठीक है, एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल्स। ये है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, कम से कम 0 तक, 0 भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता। अगर 2 है तो 2, 3, 4, 5 आ जाएगा, कम से कम 2 होना चाहिए, ये वाले केसेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आउट ऑफ 5 men and 2 women है ना, टोटल नंबर ऑफ मैन है हमारे पास, तो देखो टोटल पर्सन है हमारे पास 7, जिसमें से 5 women है एंड टू, सॉरी 5 men है एंड 2 women है। ठीक है, अब हमने जो बनानी है कमिटी वो 3 की बनानी है ना, वी रिक्वायर 3 persons, एंड इन हाउ मेनी वेज। अब देखो, अगर सिंपल पर्सन से सिलेक्ट करने हो तो हम करेंगे 7c3, कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है, हमने 3 सिलेक्ट करना है कमिटी बनाने के लिए, तो 7c3 टोटल हो। बट अब उन्होंने जो कंडीशन दी है वो क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म इफ एट लीस्ट 1 woman इज टू बी इंक्लूडेड, कम से कम 1 woman होनी चाहिए। अब अगर रफ में देखो, हम मैंने अभी बोला एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल, और ज्यादा से ज्यादा वुमेन कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, कि बिकॉज है ही 2 वुमेन है ना, अगर वुमेन है ही 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। एटलीस्ट 1 मतलब 1 वाला केस भी आएगा और 2 वाला केस भी आएगा, तो अगर हम कहें 1 woman इंक्लूडेड है तो क्या बनेगा, देखो 2 है ना टोटल, 2 में से 1 woman है, हमने 3 की बनानी है, तो 2 क्या होंगे, मेन होंगे। एक तो केस ये बन जाएगा, दूसरा केस 2 वुमेन है तो 3 की कमिटी बनानी है, 1 मैन होगा। ठीक है, इसमें 2 केसेस आएंगे, क्या आ जाएंगे आपके पास, एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, तो या तो 2 केसेस बनेंगे, एक तो ये कि 1 वुमेन है और दूसरा ये कि 2 वुमेन। तो देखो अब इसमें क्या होगा,
ठीक है, पहले तो ये है कि इन हाउ मेनी डेज, पहले तो देखो, हाँ अब देखो उन्होंने कहा है एटलीस्ट, लिखना कैसे है, बस लिखने में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। वन वुमेन इज टू बी इंक्लूडेड, है ना, कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं फर्स्ट केस, वन वुमेन है तो दो क्या होंगे, मैन होंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे यहाँ पे, या सिलेक्शन क्या होंगी, एक वुमेन और टू मैन, मैन कितने हैं, फाइव, फाइव में से टू सिलेक्ट करेंगे, वुमेन टू है, टू में से एक सिलेक्ट करेंगे, टू सी वन इज टू, फाइव सी टू इज, देखो इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। हमने क्या करना है, 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं फॉर अ क्रिकेट टीम। अगर हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन तो हम सिंपल करेंगे 17 सी 11 कि 17 में से हमने 11 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। बट नाउ वी हैव टू गिवन इन विच ओनली 5 पर्सन्स कैन बाउल, मतलब अगर 17 टोटल है उसमें से 5 बॉलर है, ठीक है, वही बाउल कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, और एक कंडीशन दे रहे कि जो हम क्रिकेट टीम बनाएंगे 11 की उसमें 4 के होने चाहिए, बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है हमारे पास 70, ठीक है, जिसमें से 5 के हैं बॉलर्स, मतलब जो रिमेनिंग रह गए वो 12 रह गए, ठीक है। तो हमने क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है 11 प्लेयर्स की, है ना। तो देखो अब वी हैव टू सिलेक्ट 11 प्लेयर्स इन विच 4 आर बॉलर्स, वी हैव टू सिलेक्ट 11 प्लेयर्स इन विच 4 आर बॉलर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, देखो टोटल हमने 11 सेलेक्ट करने हैं, 4 बॉलर्स होने चाहिए और टोटल बॉलर्स हैं 5, हमने सेलेक्ट करने हैं टोटल 11, उसमें से 4 के होने चाहिए बॉलर्स, तो बॉलर्स को हम 5 में से सेलेक्ट करेंगे, 5C4, और 11 में से अगर 4 हमने सेलेक्ट कर लिए कितने रह गए, 7, इस 7 को हम रिमेनिंग में से सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 12C7। देख लो टोटल 17 हो गए, और यहाँ से जो सिलेक्ट करने हैं वो टोटल 11 हो गए, ठीक है। टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स थे, 17 में से 5 बॉलर्स, 12 दूसरे, तो हमने जो 11 सिलेक्ट करने हैं उसमें 4 बॉलर्स होने चाहिए, तो बॉलर्स को हम 5 में से सिलेक्ट करेंगे, और जो रह गए वो 12 में से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 5C4 इक्वल्स टू 5C1, दैट इज 5 के इक्वल, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 7 फैक्टोरियल खत्म हो गया, नीचे 5 फैक्टोरियल आ गया, 12 टू 5 जा, फिर हमारे पास हो गया 11 × 5 × 9 × 8, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 3960, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने 5 कोर्सेज को चूज करना है, टोटल कोर्सेज है 9, ठीक है, एंड 2 जो कोर्सेज हैं वो कंपल्सरी हैं सभी के लिए, ठीक है। फिर ये वही हो गया इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाला, कि टोटल है 9, 9 में से सिलेक्ट कितने करने हैं, 5, ठीक है, तो 5 में से अगर हम देखें 2 कंपल्सरी है, तो ये तो है ही है, ये इसको तो सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो करने ही करने हैं, तो कितने रह गए, 3 रह गए। अब 3 किस में से करेंगे, 9 में से भी अगर हम देखें 2 कंपल्सरी है तो कितने रह गए, 7, तो 7 में से हम कितने करेंगे सिलेक्ट, 3 करेंगे। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं हमारे पास 9, ठीक है, अ स्टूडेंट
हैज टू चूज फाइव इन विच टू आर कंपल्सरी, मतलब दो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, अगर दो कंपल्सरी है तो मतलब उसने उस दो को तो सिलेक्ट करना ही नहीं। देखो यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है ना, परम्यूटेशन की बात नहीं हो रही, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, सिलेक्शन की बात हो रही है। जो टू कंपल्सरी है, जैसे आप भी हो ना, हम आर्ट्स में से लेते हैं, हम कहते हैं इंग्लिश और पंजाबी कंपल्सरी है ना, तो उसको तो हम सिलेक्ट ही नहीं करते ना, वो तो कंपल्सरी है, नेसेसरी है सभी के लिए, वो तो लेनी ही लेनी है। ठीक है, जो भी होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं तो उसको तो हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दो तो इसमें से कंपलसरी ही हैं, तो यहाँ पे कितने रह गए, सेवन रह गए, तो सेवन में से हम कितने सिलेक्ट करेंगे, थ्री, बिकॉज दो तो कंपलसरी है फाइव में से भी, तो वो कितने रह गए, थ्री रह गए। दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 into 4। कैंसर, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बीज आ गए 35। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कमेटी ऑफ सेवन हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये भी वैसी है कि 7 पर्सन्स की हमने कमेटी बनानी है, जिसमें से क्या है, 9 कहाँ से, 9 बॉयज है 4 गर्ल्स, दैट इज टोटल 13 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो टोटल है हमारे पास 13, जिसमें से 9 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, अब 7 की कमेटी बनानी है, हमने किसकी बनानी है, 7 7 पर्सन। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, पहले तो यही निकालो कि कैसे बनेगी। व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, अब हमें पार्ट्स की बनेगी, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली मतलब इक्वल्स टू, एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल्स टू, एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मतलब ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम, 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अब टोटल 7 पर्सन्स हैं, उसकी कमिटी बनानी है, तो इसमें से 3 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। टोटल गर्ल्स कितनी है, 4, दैट मीन्स 3 गर्ल्स को हम 4 में से सिलेक्ट करेंगे, वाइज में तो छे थोड़ी ना कर सकते हैं। और जो रह गए 7 चाहिए, 3 आ गए तो 4 रह गए, 4 क्या होंगे, वाइज होंगे। थ्री गर्ल्स हैं तो 4 क्या होंगे, बॉयज होंगे, बॉयज को हम बॉयज में से सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 4C3 = 4C1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 9 into 8 into 7 into 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 504। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब लेस देन इक्वल्स टू, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होने चाहिए, तो इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे, देखो फर्स्ट केस आएगा नो गर्ल वाला, कोई गर्ल ना हो, फिर आएगा 1 गर्ल वाला, एक गर्ल हो, फिर आएगा 2 गर्ल्स वाला, फिर आएगा 3 गर्ल्स वाला। ठीक है, दैट इज 0 1 गर्ल + 2 गर्ल + 3 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम ऐसे भी हो सकते हैं कोई गर्ल ना हो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे जाएंगे, अगर कोई भी गर्ल नहीं है तो दैट मीन सारे बॉयज होंगे, तो 7 जो ग्रुप के 7 मेंबर्स है उसको हम 9 में से सिलेक्ट करेंगे। 1 गर्ल मतलब एक गर्ल होनी चाहिए, तो गर्ल्स टोटल 4 है, तो 4C1 into 9C6, एक गर्ल है तो 6 बॉयज होंगे, 2 गर्ल्स हैं तो 5 बॉयज होंगे, और 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज होंगे। ठीक है, ये मैंने थर्ड पार्ट कर दिया, चलो पहले थर्ड पार्ट ही कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व अपने आप कर लेना, 36 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 336, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 756,
और इसको 504 विच इज इक्वल्स टू 1632। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज एटलीस्ट थ्री गर्ल्स। पहले केसेस लिख लिया करो, एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, कम से कम थ्री गर्ल्स होनी चाहिए। तो इसमें कौन से केस आएंगे? थ्री गर्ल वाला आएगा प्लस फोर गर्ल। अब इसमें दो क्यों आएंगे? बिकॉज ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स फोर ही हो सकती हैं। अगर यहाँ पे फाइव होता, सिक्स होता, तो हम फाइव और सिक्स वाला केस भी लेते, पर गर्ल्स है ही फोर है, तो फोर से आगे तो हम ले ही नहीं सकते। तो अगर थ्री गर्ल्स हैं तो फोर में से थ्री सिलेक्ट की, और जो फोर रह गए वो बॉयज होंगे। फोर गर्ल्स हैं, फोर में से फोर सिलेक्ट कर ली, और जो थ्री रह गए वो बॉयज होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 4c4 × 9c4 इज 5504, 4c4 × 9c3 इज 84, तो ये हमारे पास आ जाएगा 588। ये एटलीस्ट वाला है, ये मोस्ट वाला। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो ध्यान से करना। एटलीस्ट, एट मोस्ट एंड एग्जैक्टली, इसका मतलब अगर नहीं समझ आया देन आस्क मी नाउ। केसेस कैसे लेने हैं? नेक्स्ट देखो, ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फोर गर्ल्स एंड सेवन बॉयज। ठीक है, फोर गर्ल्स हैं, सेवन बॉयज हैं, फाइव मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं। कैसे? कि उसमें कोई भी गर्ल ना हो, दैट मीन्स फाइव के फाइव बॉयज हो जाएंगे। थर्ड एट लीस्ट थ्री गर्ल्स, तो देखो टोटल 11 है, सेवन बॉयज हैं, फोर गर्ल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस था कि नो गर्ल और सिलेक्ट करने हमने फाइव मेंबर्स। ठीक है, तो कोई भी गर्ल ना हो, दैट मीन्स सारे के सारे बॉयज होंगे, तो 7c5। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गए 21। सेकेंड केस है हमारे पास एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। सेकेंड केस है एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। ज्यादा से ज्यादा एक बॉय हो, ज्यादा से ज्यादा एक, ओ सॉरी, कम से कम एक बॉय एंड एक गर्ल होनी चाहिए। तब देखो, अगर हम किसी को भी फिक्स कर लो, किसी से भी स्टार्ट कर लो, एटलीस्ट वन बॉय, बॉयज हैं सेवन, तो हमने ले लिया। अगर वन बॉय है, वन बॉय है, तो गर्ल्स कितनी आएंगी? देखो फाइव मेंबर्स हैं, तो गर्ल्स फोर होंगी। टू बॉयज हैं, तो गर्ल्स थ्री होंगी। थ्री बॉयज हैं, तो गर्ल्स टू हो जाएंगी। फोर बॉयज हैं, तो गर्ल वन हो जाएगी। यही केसेस बनेंगे। देखो अब यहाँ पे सभी में देखो, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल है ना, वन बॉय, चार गर्ल्स है, मतलब एक तो है ही है, दो बॉयज, तीन गर्ल्स, इसमें भी वन वन आ रहा है। ठीक है, सभी में कम से कम एक बॉय एंड एक गर्ल है, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, बट कम से कम एक तो होनी चाहिए। ऐसा तो कोई केस नहीं ना जिसमें सिर्फ बॉयज ही हैं या जिसमें सिर्फ गर्ल्स हैं, नहीं। ठीक है, तो इसमें ये वाले केसेस आ जाएंगे, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, ज्यादा से कम एक बॉय होना चाहिए। अगर एक बॉय है तो चार गर्ल्स होंगी, दो बॉयज है तो तीन गर्ल्स होंगी, तीन बॉयज है तो दो गर्ल्स होंगी, चार बॉयज है तो एक गर्ल होगी। वो केस नहीं लेंगे हम कि कोई भी गर्ल नहीं है या कोई भी बॉय नहीं है, बिकॉज हमें गिवन है कि एटलीस्ट वन बॉय और वन गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4 × 35 इसको करके आ जाएगा हमारे पास 7। 7c1 is 7, 4c4 is 1। ठीक है, इसको 84, और ये हमारे पास आ जाएगा 210। ये आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 441। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज एटलीस्ट थ्री गर्ल्स। अब ज्यादा कम से कम थ्री गर्ल्स होनी चाहिए, तो हमें पांच मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। और गर्ल्स है जो है ही चार है, चार तक की जा सकती है, दो केसेस आएंगे इसमें। तो अगर थ्री गर्ल्स है तो दो बॉयज होंगे, अगर चारों गर्ल्स हैं तो एक बॉय होगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके 84, और ये आ जाएगा 7 विच इज इक्वल्स टू 91। ठीक है बेटा, ये सम्स देख।